A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Today our topic is pastoralists in the modern world. In this chapter we will discuss about the persons that is the nomadic pastoralists. First of all, we have to see what does the term nomads mean. Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another to earn their living. यानी नोमैड्स हम किन को कहते हैं. नोमैड जो है वो लोग हैं जो अपने लिए ज़िंदगी का रोज़गार, ज़िंदगी की कमाई जो है उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ताकि वो ज़िंदगी के लिए कुछ कमा सकेंगे. तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पार्ट्स में अगर हम देखेंगे, बहुत सारे एरियाज़ में अगर हम देखेंगे तो हम नोमैडिक पर्सन देख सकते हैं. उनमें एक कस्म है नोमैडिक पेस्टोलिस्टस. पेस्टोरलिस्टस जो है इनका काम क्या होता है, ये भी ऐसे लोग हैं जो एक जगह से जाकर किसी दूसरी जगह अपने लिए कमाई कर सकते हैं, अपने लिए रोज़गार ढूंढ सकते हैं, अपने लिए कुछ पैसे, कुछ ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए कुछ हासिल कर सकेंगे. तो लेकिन ये किस तरह करते हैं, इनके साथ ये अपने लिए इस तरीके से अपना रोज़गार हासिल करते हैं कि ये एक चाहे वो गोट्स हो या शीप आप ले लो, तो इनको इनका एक मिसाल के तौर पर एक हर हम कहते हैं यहाँ पे हर्ड्स का मतलब होता है एक फ्लॉक, एक बड़ा ग्रुप इनका होता है. उनको अपने साथ लेकर किसी कास्ट मतलब किसी पास्चर में लेकर उनको वहाँ पे पालते हैं, रेयर करते हैं, उनको पालते हैं ताकि इनके ज़रिए अपने लिए रोज़गार हासिल करते हैं, इनके लिए अपने लिए कमाई हासिल करते हैं. यहाँ और ग्रुप हम ले लेंगे, कैमल्स है उनको हम ऊँट का ग्रुप जो है उस तरीके से उनके लिए, या जो जानवर जो कैटल्स है काउज एंड दिस ओकस बेपेलोज एट्सेट्रा, इनका ग्रुप लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर इनको उनको पालते हैं. तो उस जरिए से एक ग्रुप उनका जो है इनकी नज़र गुजर रख कर फिर इनसे क्या है अपने लिए रोज़गार कमाते हैं. लेकिन सवाल यहाँ पे है कि वाई दे आर कमिंग फ्राम एंड वायर दे आर हेडेड, यानी कि ये जो लोग हैं आते कहाँ से, जाते कहाँ से, करते क्या है. हमने कभी इनके बारे में नहीं देखा कि ये कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे कमाते हैं. तो पास्ट में वो क्या करते थे, आज क्या करते हैं. तो पेस्टोरलिस्ट जो है इनका जो है वो बहुत कम जिक्र है इस हिस्ट्री में. अगर हम देखेंगे हिस्ट्री के पेजेस को, अगर हम देखें हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक को अगर हम देखेंगे तो इनका बहुत कम जिक्र है कि उनकी इकॉनमी क्या है. तो आप हिस्ट्री में देखेंगे, इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो इनके बारे में बहुत सारा कम है. तो इससे अलावा आप अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो ये जो है, या इसी तरीके से आर्टिसन्स हैं या पेस्टोरलिस्ट जो है बहुत कम लिखा गया है इनके बारे में. तो यहाँ पर जो है कि जैसे मतलब इस तरीके से कम लिखा गया जैसे इनकी ज़िंदगी का कोई मामूल मतलब उनकी ज़िंदगी का कोई ज़्यादा मकसद नहीं है. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पेस्टोरलिज्म जो है ये सोसाइटी में कैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ और देखेंगे कॉलोनलिज्म जो है इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ा है. तो इसी तरह से जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारा असरअंदाज होता है इनका जो काम कल्चर जो होता है इनका, इन सोसाइटीज़ का, खासकर पेस्टोरलिस्ट का इनका. तो ये जो है इस चैप्टर में हम उसका फोकस करेंगे इंडिया और अफ्रीका में. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे तो वह है पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मोमेंट्स. ये पेस्टोरल नोमैड्स क्या है और इनकी मोमेंट कैसी. तो अगर हम आज बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं गुजर बकरवाला जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनको भी है कि वो भी जो हमारे यहाँ पे गोट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, उनका कारोबार मतलब उनके जो है देखभाल करते हैं, फिर उसके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तो इनका जो है ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं. 19वीं सदी में इनको देखा गया तो ये इन ऐसे हम कहेंगे ऐसे फील्ड्स की तरफ जहाँ से उनको वो अपने मिसाल को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं इन गोट्स को और शिप्स को. इनके लिए जो है ये क्या करते हैं, ये ऐसे आज में एनुअली मूव करते हैं समर टू विंटर ग्रेजिंग, क्योंकि समर में हम किस इलाके में रहेंगे और विंटर में हम ये किस इलाके में रहेंगे, ताकि ये जो हमारे जो है गोट्स है, शीप से इनके जिनपी है, ये निशनुमा कहते हैं जिनकी ये देखभाल करते हैं, ये गुजर बकरवाल जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं. तो इनका भी इलाका लगा हुआ है कि विंटर में ये जाते हैं ज़्यादातर, अगर आपने देखा होगा शिवालिक जो हिल्स है ज़्यादातर के पीर पंजाल एरियाज़ में, तो उससे जो लोअर एरियाज़ है जहाँ पर बर्फ़बारी बहुत कम पड़ती है
तो ऐसे इलाकों की तरफ ये रुख करते हैं ताकि अपने जो ये जो शीप्स है, गोट्स है, इनकी जो है नशोनमा करेंगे, इनकी जो है नज़र गुज़र रखेंगे ताकि वो जो है ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं इनको। फिर जब विंटर आ जाता है, क्योंकि विंटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो विंटर में क्या होता है कि बड़े बड़े माउंटेन, हाई माउंटेन जो होते हैं उनमें ज़्यादातर बर्फ़ होती है, ये बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, जो लेवल हिल्स है इनमें ज़्यादातर बर्फ़ नहीं होती है। तो इस तरह से अप्रैल एंड जब होता है तो इनका मार्ग जो है नॉर्थ कश्मीर की तरफ चला जाता है, तो समर के लिए ग्रेजिंग के हिसाब से देखेंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने साथ बहुत खाने पीने के चीज़ जो होते हैं, हाउस होल्ड जितने भी हैं इनके साथ, ये अपने साथ लेकर एक बड़े काफिले के तौर पर, जिसको आप कहते हैं काफिला, तो काफिले के तौर पर यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है अपने इन गोट्स एंड शिप्स के साथ चलकर इस नॉर्थ की तरफ रवाना होते हैं, तो इसको हम कहते हैं काफिला। फिर ये पीर पंचाल एरियाज पास करके वैली ऑफ कश्मीर में आ जाते हैं। तो इस तरह से ऑनसेट ऑफ समर, जहाँ जो ही समर यहाँ पर आ जाता है तो स्नो मेल्ट हो जाता है माउंटेन्स पे और ग्रीन लश जो है, आप कहेंगे कि ये जो सब्जार आ जाता है, वेजिटेशन पूरी जो है इस तरह से खिल हो जाता है, और वहाँ पे अपने इन जो भी ये गोट्स या शीप जो रखते हैं तो इनको क्या वहाँ पे ग्रेजिंग करने के लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये ग्रासेस जो है रिच न्यूट्रिशियस फॉरेज होता है एनिमल के लिए। तो इस तरह से जब सितंबर एंड होता है तो ये बकरवालस क्या करते हैं, ये अगेन मूव करते हैं टूवर्ड्स द विंटर बेस, तो अपने विंटर बेस की तरफ चला जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होता है फिर कि जो हाई माउंटेन्स है फिर स्नो के साथ बाउंड हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ग्रेजर टूवर्ड्स अपने इन जनों को कहाँ ले जाते हैं, लो हिल एरियाज़ में ले जाते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट एरियाज ऑफ माउंटेन्स है, जैसे गड्डी शिफर्ड जो है हिमाचल प्रदेश में, उनका भी यही सीजनल मोमेंट है, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे गुजर बकरवालस का है, वो भी अपने क्या करते हैं लो हिल्स जोशवालिक है वहाँ पे रह जाते हैं ग्रेजिंग के लिए जब विंटर होता है। फिर अप्रैल एंड हो जाता है तो फिर वो हाई समर में कहाँ चला जाता है, लवेल एंड स्पिति में चला जाते हैं, तो वहाँ पर इनको क्या कहते हैं, क्योंकि तब वहाँ पर जो माउंटेन्स है फिर माउंटेन जो है तो फिर उसी तरीके से हो जाते हैं कि हायर माउंटेन्स पे, क्योंकि बर्फ़ उन पे है तो मिडोज़ की तरफ आ जाते हैं, पिघल जाता है बर्फ़ वहाँ पे तो मिडोज़ सामने आ जाते हैं। तो इस तरह से वो भी सितंबर जब एंड होता है तो वो फिर अपने इन लो एरियाज़ में चले जाते हैं। ये कहाँ के बात हम कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि शिमला की बात हम कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे जब सितंबर एंड हो जाता है वो फिर अपने इन विंटर कैंप में चले जाते हैं। जैसे यहाँ से फिर मिसाल के तौर पर वहाँ से इन विलेज से लोहाल सिपति से वापस निकल कर फिर कहाँ चले जाते हैं, विंटर क्रॉप्स की तरफ। तो इस तरह से जो ग्रेजिंग का सिस्टम है शिवालिक्स में, तो नेक्स्ट अप्रैल में फिर चले जाते हैं अपने इन समर विडोज़ की तरफ। तो यह है कि इसी तरह से अगर हम ईस्ट में देखेंगे, गरवाल या कनमू गुजर कैटल हेड जो है वो क्या करते हैं, ड्राई फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। अगर विंटर में देखेंगे, जिसको हम कहते हैं बाबर का मतलब ड्राई फॉरेस्टेड एरियाज, फुट हिल्स ऑफ गरवाल एंड कनमू होता है, तो इन एरियाज में चले जाते हैं तो विंटर में। फिर अब जब समर आ जाता है तो ये चले जाते हैं बगियाल्स में। बगियाल्स का मतलब होता है वास्ट विडोज इन द हाई माउंटेन्स पर चले जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनली क्या है, मैनी ऑफ देम जो ओरिजिनली अगर देखेंगे जम्मू एंड केम टू द यूपी हिल्स इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स, क्योंकि अगर हम इनको ज़्यादातर देखेंगे तो ये ज़्यादातर कहाँ के लोग हैं, ये ज़्यादातर लोग जो है वो जम्मू के हैं। गिड्डी मतलब आप देखते हैं मिसाल के तौर पर ये लोग जो है जम्मू के हैं, लेकिन इन पास्चर्स की वजह से कहाँ चले जाते हैं, यूपी हिल्स में चले जाते हैं, ताकि जो इनके जो मिसाल के तौर पर ये जो इनका ये हड ऑफ जिस हडर्स ऑफ जिस गोट एंड शीप होते हैं इनको मिसाल के तौर पालते हैं ये, तो इसलिए उन्होंने अपना जो है अपना एरिया जो अपना मिसाल के तौर पर कायम कम जगह रखी है वो यूपी में चले गए। तो ये पैटर्न है, साइकिलिक पैटर्न मूवमेंट है बिटवीन समर एंड विंटर पास्चर्स की। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक पास्टोरल कम्युनिटी जो है हिमालयाज में, चाहे वो भुटियाज हो, शरपाज हो, कन्नीरज हो, ये ऑल जो है ये अपने सीजनल्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और पास्चरस की एग्जॉस्ट, क्योंकि पास्चर जो है अनयूजेबल लैंड है इन वन प्लेस, तो इस तरह से अपने इन फ्लॉक्स को जो भी ग्रुप ऑफ जो शिप्स होते हैं गोट्स, इनको एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया में ले जाते हैं। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट जो है इस तरह से पास्चरस को रिकवर करते हैं। तो इस तरह क्योंकि विंटर में ये एक जगह चलते तब तक वो रिकवर हो जाता है वो पास्चर, और समर में चले जाते हैं तो तब तक वहाँ रिकवर हो जाता है। तो इस तरह से ये और यूज़ जो है इन विडोज़ का या पास्चर्स का नहीं होता है। तो सुबह हम पढ़ेंगे इसके आगे इंशाल्लाह।